कोर्ट पे बैठे हैं और ऐसी टेरिटरी में यहाँ पे हिरन देखे पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। अगर तो कैसे चलेंगे एक बार बाहर से हिरन देखने, पागल वागल लोगों का भैया। के सफर में और क्या आप देख सकते इतने सुनसान जंगल में रामनगर के सुंदर थाल वाले इलाके में अभी हम अपनी गाड़ी से निकले हैं और देखो यहाँ कॉलिंग होने में लगे कंटिन्यूस जानवरों की। आपको देखो पीछे जानवर है और यहाँ पे जो अभी छोटा भी मैगी पॉइंट करके यूट्यूब चैनल भी है वो अभी हम वहीं पर देखते हैं तो हमने कहा मैगी वैगी खाते हैं थोड़ा, उसके बाद हम आगे को निकलेंगे क्योंकि अभी हम अपने रिसोर्ट से आए थे तो हमने कहा थोड़ा आप यहाँ पर रुकते हैं उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे को। और आप देख सकते हो कंटिन्यूस गाड़ी की आवाज़ें आने में लगी हैं, कॉलिंग होने लगी जानवर की और इतना सुनसान जंगल है ना ये क्या ही बताऊँ आप लोगों को। भैया ने भी बोला था अंदर ही बैठना यार एकदम भागो बताओ, बट मेरे को एक कॉलिंग की आवाज़ आई ना जानवरों की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि यार मैं जानवरों से हमें प्यार है तो हम जानवरों की जब आवाज़ सुनते ना यार तो खींचे चले जाते हैं। आप लोगों को पता ही यार जंगल में कैसे चले जाता हूँ, तो अभी मेरे को जैसी आवाज़ सुनाई थी तो मैं खुद ही बाहर को आया, मेरा मन हुआ कि यार नहीं मैं बाहर जाऊँगा, रिस्क है भैया कुछ नहीं है, हम जिंदगी के साथ रिस्क ले सकते हैं बट हम लवर हैं एनिमल लवर तो हम जाएंगे आवाज़ें सुनेंगे करीब से और देखेंगे। बाकी मैं आज ले जाऊँगा आपको अपनी कार में, हम नाइट सफारी करेंगे, नाइट ड्राइव करेंगे सफारी तो आपको देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं हम, क्योंकि हम मालचूला भी जा सकते हैं, मोहान भी जा सकते हैं, मोहान भी जाएंगे, बहुत इलाके हैं जहाँ हमें देखें और हाथी हो गया बाघ हो गया उस जैसे मालचूला जैसे इलाके में है देखो, बट अभी जानवर की आवाज़ है ना एकदम डर टाइप का भी लग रहा है क्या पता कहाँ पे से आ जाए। तो अभी हम चलते हैं यहीं पे से और ले जाऊँगा मैं आप आज आपको ख़तरनाक जगह में, क्योंकि मरचूला में जैसे मरचूला वाले इलाके में कहते थे हाथियों का झुंड मिल जाता है, मोहान वाले इलाके में बाघ मिल जाते हैं तो आप जैसे जाओगे तो आपको मिल ही जाएगा कहते थे। तो ऐसे ही हम चलते हैं आगे को और आपको ले जाऊँगा मैं आज आगे, अभी करते हैं इसको आगे। तो गाइस हम चल चुके हैं आज नाइट सफारी पे जंगल की और जंगल के अंदर आप देख सकते हो जिम कॉर्बेट वाली रोड है, ये बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, बढ़िया गाड़ी बड़ी गाड़ी चलेगी रात के समय 12 बजे के टाइम पे सब्जी वब्जी छोटी मोटी गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी गाइस। अब यहाँ गाइस आज हम यहीं रुके थे यार रिसोर्ट में तो हमने कहा आज बड़ी टाइम बाद हम आ चुके हैं यहाँ तो हमने कहा रुकते हैं और देखते हैं आज जंगल सफारी में रात के समय मोहान वाले इलाके में क्या पता हमें कुछ दिख जाए जानवर अनवर। देख लो आप सब सब मकान वकान दुकान वाने सब सब देखो ये सब बंद हो चुका है, कुछ नहीं बंद है मकान क्योंकि ये जो एरिया है ये उसी का है ना मैनेटर का मैनेटर टाइगर का। अबे अब तो इनने यहाँ पे गड्ढे भी कर दिया है कि जानवर बाहर को ना आए। भैया तो डेंजरस इलाका है इसमें टाइगर के लिए तो कोई फर्क नहीं है, हाथी वाती नहीं आएगा बस। अरे हाथी भी आएगा भाई आ जाता है रोड में, देखो आप सामने दुकान वाने सब बंद है बिल्कुल क्योंकि यार टाइम भी तो बहुत हो गया 12 बज चुके हैं खाली 12 बजे एक बज गया क्या अच्छा 1 बजे तो हमने वहाँ पर रिसोर्ट से निकले थे हम खाना ना खा के इस देख सकते हो यार कुछ कुछ नहीं दिखेगा कोई दुकान नहीं खुली और देखो गाड़ियाँ भी बिल्कुल नहीं चल रही है बस हम ही चल रहे हैं खाली हम भी इसलिए चल रहे हैं डेरी डेरी में कि हम आप लोगों को दिखा सके ना और वो भी हम इसलिए चल रहे हैं गाड़ी के अंदर हैं बाइक बाइक में थोड़ी चलेंगे नहीं तो किसकी हिम्मत है भाई ऐसी लोकेशन में जो देखो यहाँ पे लिखा भी है जानवर आते हैं यहाँ पे पानी वानी पीने बोर्ड वोर्ड वार्निंग दे दी गई है देखो यहाँ पे देखो इससे ज़्यादा आगे को अभी ये मोहान वाले इलाके में हम चल ही रहे हैं सुंदरखाल गांव जो है उससे हम आगे आ चुके हैं बहुत और जो अभी अटैक भी हुआ था ना वो रिसेंटली अटैक जो हुआ था यहीं पे हुआ था वो पेड़ के सामने अभी एक भैया ने बताया था एक यहाँ पे हुआ था इससे आगे हुआ था भाई दो तीन अटैक कर दिए ना यहीं आसपास में कर दिए ना दो तीन अटैक यार अरे यार पूरा सुनसान जंगल ही है अब देख रहे हो तुम क्या दिख रहा है कुछ दिख रहा है वहाँ पे खाली है बोर्ड दिख रहा मोहान का बस ये देखो ये नदी यही नदी है यहीं पे यही नदी में से आते हैं क्रॉस करते जंगली जानवर तो देख सकते हो जंगल से बिल्कुल ये दोनों तो अब नदी है यहीं से 20 फुट में भी पानी आता है जानवर आए अपना हिरन हिरन तो यार नॉर्मल क्या ही कहें बट बाघ वाघ यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया मोहान का और ये देख सकते हो यार आप यहाँ से मोहान 6 मोहान है यहाँ पे से 6 किलोमीटर बस इसी बीच में है टाइगर टाइगर तगड़ी वाली वो वहाँ पे तो हुआ था पुल के वहाँ पे जहाँ पे वो है ये तो देखो गाइस में तो है भाई सबसे ज्यादा दिक्कत 6 किलोमीटर देखो मोहान मोहान 6 किलोमीटर है मात्र और अभी देखो गाड़ी भी तो दिख रही है आगे कोई हो अब गाड़ी का खराब और आप तो नहीं हुई नहीं बैंक में इंडिकेटर चलने जा वही लगता है मुझे भी तो ऐसे जंगल में तो कोई लिफ्ट भी नहीं दे पाएगा भाई अरे मतलब ही नहीं हुआ रुकना ही नहीं हुआ क्या पता चोर हैं क्या हैं चोर तो खैर नहीं होंगे खैर ये है कि भाई
टाइगर उतर, अबे यार उतर के कौन देगा महंगा, वहाँ टाइगर कहीं झपट गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे इस टाइम पे इतना खौफ है भैया यहाँ पे टाइगर का। गाइस देख सकते हो किसी के घर में लाइट ही नहीं चली है। जंगल देखो गाइस कितना घना जंगल, कितना जंगल देखो, घोर जंगल है बिल्कुल। गाइस देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है जंगल, टाइम भी बहुत हो गया ना यार, एक तो हम रात को ही निकले हैं जंगल सफारी में तो और यही टाइम है यार जंगल सफारी में, शीशे भी ऊपर कर लेते हैं यार क्योंकि रिस्क है भैया, रात का समय है भैया, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भरोसा नहीं है कहाँ से जानवर आ जाए कब अटैक कर दे। हाँ तो बिल्कुल समझ के संभल के चलना पड़ेगा भाई हमें। संदीप भाई देख लेना शीशे ऊपर ही रखना, शीशे ऊपर है भाई मेरे। हाँ हमें दिख चुके हैं, देखो हिरन, ये देखो हिरन ही हिरन दिखने लग गए, ये देखो अच्छे से दिखाते हैं आपको चेहरे पे, ये देखिए गाइस इधर साइड पे इधर साइड इतने हिरन दिख गए ना, ये देखो गाइस थोड़ा आगे लगाओ यार गाड़ी, आगे लगाओ जा रहा हूँ गाड़ी, देख सकते हैं नीचे चल रहे हैं इधर भी है ना, गाइस ये देखो इधर अलग है, ये देखो ये पूरा झुंड अलग है, अकेले नहीं भाई पूरे टेरिटरी में आपका स्वागत है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं देखो हिरन के, जाते जाओ रोशन भाई पकड़ लाओ यहीं पे साइड ला दो गाड़ी, रोशन भाई पकड़ लो दोनों तरफ आए हैं, फोकस तुम्हारा वहां जा रहा है, इधर मारो फोकस, रोशन भाई दोनों पकड़ लाओ, देख सकते हो ये देखो गाइस ये रहे, ये रहे हिरन, ये चेक करो हिरन है ये देखो समझ गया भागने लग गया, देखो छोटा भी है बच्चा, उसका बच्चा होगा देखो, बच्चा भी आया ये देखो गाइस, स्पॉटेड डियर है, स्पॉटेड स्पॉटेड डियर है गाइस, बहुत ही खतरनाक, लॉक कर दो भाई गाड़ी, गाड़ी गाड़ी लॉक कर दो यार, क्या पता इनके छोटा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, कैसे देख रहा हूँ अभी तीन है देखो, गाइस देख सकते हो आप हमारे जस्ट सामने ही है देखो, स्पॉटेड डियर, चलो चलो ज्यादा देर नहीं, हां इनके चक्कर से आ सकता है ऐसा बात, देखो 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 देखो, अब ये वाले शीशे से दिख नहीं रहा ना, बट देखो गाइस वो है छोटा वाला तो वहीं पे खड़ा है, छोटा वाला बड़ा ये भी कहां भागा है देखो, हमारी तरफ को देखने लग गया, ये देखो गाइस देखो देखने लग गया, देखो ये देखो ये सॉरी, अब देखो देखो अब हिला छोटा वाला, तो गाइस हिरन तो दिख गए हैं, बाकी अब देखते हैं आगे आगे क्या क्या दिखता है हमें, ये देखिए हिरन तो दिख गए, हिरन हिरन एक कहाँ गया है, वहीं पे खड़े हैं सब, चलो भी चलते हैं आगे देखते हैं क्या दिखता है आगे को, चलते हैं कैसे हिरन दिख गए थे, पूरे ग्रुप में आए थे, इस तरफ भी दिख रहे थे हमें और इस तरफ भी, दोनों तरफ से हिरन ही दिखने में लगे थे, गाइस आपका भाई राइड भी स्वागत ना आप लोगों के लिए, रात को निकला है और यहाँ पे मतलब कि आप लोगों को दिखा सकूँ मैं जंगल में क्या क्या एक्टिविटी होती है जानवरों की, डेंजरस है। तो गाइस मैंने आपसे बोला था ना हम दो जगह रहेंगे, मोहन और मलचूला, जैसे हम मोहन पहुँचने वाले हैं ना तो आपने देखा होगा हिरनों का कैसे हमें झुंडे दिख गया, अगर हम मलचूला पहुँचिए वहाँ तो हमें क्या क्या दिख सकता है, वो तो और ज्यादा खतरनाक इलाका है, वो बता रहे थे कि हाथी रानी के साथ रोड में गए, तो वही तो मलचूला वाले इलाके में रहा हूँ, 7-8 किलोमीटर। हाँ अभी देखो गाड़ियाँ चलने में लगी यहाँ पे, और देखो बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं 4x4, क्योंकि ऐसी ना छोटी मोटी गाड़ियाँ टू व्हीलर में कोई नहीं घूम सकते हैं यार, ऐसे मेरे बगल वाला शीशा मत, अरे थोड़ा नीचे रहने दे, ये अलग आगे शीशे में वो जम जा रहा है, दिखेगा भी तो नहीं साफ, अरे तो अंदर को भाग आ गया, अरे नहीं आ रहा भाग, इतने में नहीं आता भाग, पूरा ही खोल दिया भाई तुमने शीशा, इतना डर रहा तू भी भाग से, जब मेरा बात कर मेरे फोन में, अरे यार तुम्हारा तो ठीक है भैया, जान बजाने अभी एकदम देख के तो तुम अंदर को कहते थे भाई, यार तुम क्या कर रहे हो, शेर देखो सामने, शेर कहाँ दिखेगा यार, शेर तो दिख जाता तो मजे आ जाता भगवान से, अरे मैं तो देख ही रहा हूँ भाई, तो एक कैमरा ऑन भी तो होना चाहिए एक का, भाग का ना कोई भरोसा नहीं, क्या पता कहाँ पे हमें मिल जाए, एक तो इन भाई ने देखो शीशा खोल दिया, आगे टिकाला वाला जोन भाई, यहाँ पे तो 100% कुछ ना कुछ रहते रहते हैं, ये है टिकाला जोन, टिकाला जोन आ गया, इस यहाँ पे रहते रहते हैं बाहर से, ये देखो टिकाला यहाँ से इधर को जाते हैं, रानीखेत सीधे जाते हैं, टिकाला का गेट आ गया है, धनगढ़ी गेट सॉरी धनगढ़ी, टिकाला तो यहाँ से अंदर होगा 31 किलोमीटर, धनगढ़ी गेट, धनगढ़ी गेट है, तो यहाँ भी कराते हैं जंगल सफारी, यही तो मेन सबसे ज्यादा दिखते हैं, अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा दिखाओ यार इनको, ये देखो धनगढ़ी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे से जाती है जंगल सफारी को हम जाते हैं लोग, अभी देखो सब बंद कर देखिए लाइट है, इसमें लाइट करंट होगा जो दरवाजे हैं सभी, ये देखो गाइस
तो ये भी हम करेंगे एक दिन, नेक्स्ट टाइम करेंगे पक्का, आप लोग वो दिखाएंगे जंगल सफारी में, बट अभी हम नाइट ड्राइव सफारी करते हैं यहीं से। तो गाइस यहाँ पे देखो अटैक हुआ था, बाघ ने जो अटैक करा था रिसेंटली, अभी एक आदमी को यहीं पे मारा था जब वो यहाँ पे पानी पीना आया था। इसी लोकेशन पे दिखा था पहले, वहाँ पे सामने, यहाँ पे सामने, तो यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पानी पानी है, कोई भरोसा नहीं है जानवर कब आ जाए कहाँ से। गाड़ियाँ भी आ रही है, अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो कोई किसकी इतनी है, उतना टफ है, तो रास्ता भी ख़राब है यार। यहाँ पे अगर आ भी गया तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। अरे हमारे चक्कर से रुक गए ना, एक ही गाड़ी तो निकलेगी। क्रॉसिंग में दिक्कत भी तो है, तो गाइस यार इसी वजह से कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे दिक्कत बहुत है ना। ये देखो बाकी यार, ये हाथियों ने नुकसान कराया है मेरे ख्याल से, सब हाथी हाथी फेंक दोगे, तोड़ के फेंक रखा नीचे, सभी हाथी ने कर रखा हो, सब हाथी का ही है। ये देखो पूरा पलटा दिया, देखो बोर्ड उतना पड़ा हो गाइस, ये देख सकते हो यार, देखो सामने वाला भी फेंक दिया, सारे उसने फेंक दिए हैं यार, इतने बड़े बड़े वो है ना यहाँ पे गिरे। उसको पसंद नहीं आ रहा ना, कार प्रगति पे लिखा था, अब बहुत साल हो गए ना, नया कार नहीं कर नहीं पा रहे, खाली बॉडी बोर्ड लिखा रहा है, इतने बंद करो यार कार। तो यार यहाँ से दिख पा रहा है, इतनी जगह पे लिखा है ना सावधान सावधान सावधान, मतलब बहुत जगह पे यार। करीबन अभी हम इतना चले होंगे तो इतने में मैंने 20 बार देख दिए होंगे, सावधान रहें यहाँ पे टाइगर हैं, सावधान रहें यहाँ पे हाथियों का है, मतलब इतने बार देख दिया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हाँ दिख ही जाएंगे यार, अभी देखो इंतजार करो तुम बस, क्योंकि ये रिवर ऐसा है यहाँ पे कि बड़ा बड़ा रिवर है ना, ये नदी बड़ी है, और नदी बड़ी की वजह से क्या होता है आदमी बहुत लंबा हल्के हल्के जाता है, तो टाइगर को भी पता है कि यहाँ पे मुझे आसानी से मिल जाएगा ना शिकार मेरा। तो गाड़ी बंद, गाड़ी की लाइट बंद करके चलेंगे? लाइट बंद नहीं, मतलब ये है कि अब कुछ कह नहीं सकते ना यार कि हमें अभी दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसके ये कि मेरे ख्याल से चेक पोस्ट टाइप का फिर आ गया है। एक चेक पोस्ट फिर आ गया, क्योंकि यहाँ से छोटी गाड़ी नहीं भेजते हैं, देखो अभी फोन लगाओ, बड़ी गाड़ी आ रही है ना, क्योंकि एक तो रास्ता भी इतना खराब होता है देख रहे, इसी वजह से तो टाइगर को आसानी होती है किल करने में, ये उसी के लिए तो बहुत बेस्ट पॉइंट है किल करने का, उसको ऐसा पॉइंट तो मिलता भी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कहाँ पे बैठा होगा, क्या पता साइड में बैठा हो, वो भी हमारा इंतजार करता होगा कि आजा भैया गाड़ी से उतर जाए एक बार देख ले मुझे। देख सकते हो जैसे हम कह रहे थे ना गाड़ी की लाइट बंद करके चलते हैं, वैसे ही लोग चल रहे हैं, देखो जानवर देखने, यहाँ पे देखो अचानक सड़क पर हाथी आ सकते हैं, हाथी वाला इलाके में हम आ चुके हैं अंदर को, ये देखो यहाँ पे भैया बहुत बहुत रिस्की है, बाकी ये पता नहीं क्या कह रहा है, अंदर को चलने के लिए कह रहा है मेरे ख्याल से, अंदर जाने के लिए कह रहा है, तस्करी करोगे वहाँ बैठ के बाहर। और आप देख सकते हो इतनी रात हो गई है, मतलब अंधेरा इतना हो गया ना, ऐसी अंधेरे में हम चले जा रहे हैं कंटिन्यूस, बट अभी तक हमें एक एक जानवर दिखा, खाली हिरन, अभी तक ना कोई बाघ दिखा ना हाथी वाथी दिखे, पर हम देख रहे हैं अब बाघ, ये देखो यहाँ पे भी देखो, तो देखो आप यहाँ पे भी देखो, आपको देखूँगा, ये देखो बाघ से सावधान है, हर जगह सावधान, हर जगह बाघ ही बाघ है, हर ये मतलब कितना 100 मीटर चल लोगे दो तो दिख ही जा दूंगा हर 100 मीटर में, भैया बाघ वाघ का खतरा ही है यार, बाकी तो आप लोग देखते हैं ना यार, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी रात को निकले हैं ना जंगल के अंदर, रिस्क है, रिस्क है तो रिस्क है, वही लोकेशन में देख के ना बोल रहा है यार, तो क्या बोल रहा है अब यार, डर के मारे ना शब्द नहीं आ रहे हैं, सही बताओ सही मिसाल दो पब्लिक को, क्योंकि हाथी हाथी का और हिरन देख कर हिरन का कैसे झुंडे देगा हम, उसी चक्कर से आप क्या ही बताएं, ठीक है कॉलिंग नहीं है मेरे ख्याल से, पीछे से गाड़ी आ रही है, अब इनने कॉलिंग ही लगा रखी है, आ रही ना अभी पता नहीं है कौन सी टेरिटरी में घूम रहे हैं, अगर अभी आ गया ना फिर हो जाएगा कॉलिंग, फिर इनकी कॉलिंग नहीं आएगी, इनके मुंह से आवाज ही नहीं आएगी उसके बाद, उन्होंने रोशन भाई कहा है डिग्गी में अंदर छुपे हैं, आए तो जा रहे हैं, तो फाइनली देखो गए सब मुहान वाली रोड, मुहान पे पहुंच चुके हैं, बस 100 मीटर आगे जाके मुहान ही है अब, तो अभी इंतज़ार करते हैं आज हम जानवरों का, क्योंकि इस गाड़ी को जाने देते ना, अगर जानवर होगा अभी तो छुपे रहेगा तो इसको देख के भाग सकता है, तो हम अपना अकेले चलेंगे साइड से, बाकी यार बीच बीच में शीशा खोल देना, इसको हम बंद ही करते हैं यार, मत कर बंद भाई, इतना डर लग रहा तो आया मत कर नाइट राइड में, अरे यार भाई ये खतरा है, डरपोक आदमी है यार, तो मैं तो सोचा कि बाघ बाघ का मिल मिल के आया, छत पटाने की ये ऐसे डर रहा,
तो तुम तो बाघ के साथ वो खेलोगे क्या? कैरम कैरम खेलोगे? वो देखो भाई कैसे हो गया, वो गोटियां बना के गोटियां ऐसे खेलेंगे देखो ये। अरे माना तुम्हारे पास, तुम बागी नहीं हो तो और हम तो खेल सकते हैं। तुम तो एक बात तो सेटिंग है बाघ की, तो दिखाते हैं यार। देखो अब यहाँ पे लिखा है कितनी दूर। अरे यार उसमें राइट भी तो अगर, अरे तुम्हारे लिखा था यार, तुम्हारे छोड़ा पंप बड़े ब्लॉगर आएंगे तो लिख देंगे भैया चाहिए यार ऐसा नाम हम लिखते हैं। यार इसके भी तो ले रहे हम गाइस। यहाँ पे देखो चौकी आ चुकी है, चेक पोस्ट बैठे रहते हैं क्या रात भर? तो यहीं से चलते हैं आगे। वो देख लो भाई रेन मोहन रानी खेत को दौड़ा जाता है सीधा वाला, तो इधर ही को चलते हैं चौकुटिया रानी खेत। हां बिकिया सेन होते हुए सीधी कितनी चली गया तो यहाँ पे चाचा बैठे थे, चाचा के संग थोड़ा बातें कर लो ना। हाँ ये बैठे हैं। हाँ ये पता कर लो उनसे, यहीं से बात। देखो गाइस मोहन वहाँ पे लिखा है। बाकी यार गाइस आपको ब्लॉग जैसा भी लगा हो बताना, बाकी जानवर तो हमें दिखी गए थे, आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ओके गाइस बाय।